चीज थोड़ा सा बता दो। सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम तो हम कर सकते हैं ना, हम मैम बेड पे ही बता दीजिए, गर्दन ऊपर के, बैठे हाथों हैं, के। बेड के ऊपर बैठे हैं कैसे करना है थोड़ा हाँ वो बता ठीक दीजिए, फिर कल से मैं ठीक उठ है, के नहीं बिछा लेंगे उस पे बैठ जाएंगे। बेड के ऊपर भी कर सकते हो आप, स्ट्रेट पैर खोल के बैठिए, आगे पैरों को हिलाते हैं, अभी पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पैरों से शुरुआत करते हैं, पैरों को आगे पीछे करेंगे, दिखाई दे रहा है क्या? आप थोड़ा सा कैमरा यस नीचे कर मैम सकते हैं, दिखाई आप थोड़ा सा दे आसन रहा है। या थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, कैमरा थोड़ा नीचे सा। कैसे कर, हाँ पीछे हो सकती हूँ, कैमरा नीचे नहीं होगा, हाँ कोई नहीं, थोड़ा आप पीछे हो इधर जाइए। रखा है हाँ मैंने तो। ठीक है, हाँ ठीक है, अब बहुत ज्यादा पीछे हो गए, थोड़ा सा आगे बस, ठीक है। हाँ दोनों पैरों को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे, अब अपनी साइड करेंगे, रिपीट करेंगे इसी को, दोनों हाथ पीछे रख लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें और पंजों की आगे पीछे मूवमेंट। आवाज क्लियर है सबको? हाँ जी आवाज आ मैम, रही है थोड़ा थोड़ा जी, थोड़ा लाउडली। लाउडली कर सकते हो क्योंकि अच्छा वैसे माइक दूर है ना। हेडफोन लगाया हुआ है मैंने, हाँ नहीं मैंने हेडफोन लगाया है, ठीक अच्छा ठीक है, है अब हटा हटा दिया हेडफोन नहीं मैंने लगाया दिया। हाँ जी मैंने लगाया हुआ है, पैरों को आगे पीछे पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, और जहां पे खिंचाव आ रहा है उससे फील करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, पेट पे खिंचाव आता है आराम मैम, से करेंगे। इससे हाँ जी पेट पिंडलियों पे पेट खिंचाव पे भी आएगा, खिंचाव आता है। नहीं पिंडलियों पे आएगा, पैरों की मूवमेंट है पिंडलियों पे आएगा। हाँ जी पर पेट एक्चुअली ये पे भी लग स्टार्टिंग रहा में है। सुखासन पद्मासन में बैठने के लिए पैरों की कुछ क्रियाएं की जाती हैं ताकि हम कंफर्टेबल को स्थिर आसन में बैठ सकें। नहीं पेट पे तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा पेट पे अपने, थोड़ा बहुत सांस आगे सांस लेना छोड़ना हम होगा फर्स्ट तो वो टाइम तो आएगा। कर रहे हैं ना अच्छा इसलिए थोड़ी चलिए अब पैरों को हम वैसे भी क्लॉक योगा वाइज नहीं घंटे करते क्लॉक, ना। अच्छा, पैरों को क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, दोनों पंजों को मिला के कोशिश करें घुटने ना उठे, उठेंगे तो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, विपरीत दिशा में ऑपोजिट साइड करेंगे, दोनों पैरों को मिला के पेट के ऊपर दबाएंगे, दोनों पैरों को साइड में, पैरों को फैलाएंगे सामने, एक हाथ रखेंगे एंकल जॉइंट के नीचे, एक रखेंगे घुटने के नीचे, पैर को हिलाएंगे बच्चे की तरह, जैसे गोद में लेके छोटे बच्चे को झुलाते हैं, आराम आराम से करें, बहुत जल्दी ना करें, दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को, ठीक
रिलैक्स, दोनों पैरों को मिला के तितली आसन करेगी। दोनों पैरों के हाथों से पकड़ लेंगे दोनों पंजों को, और पैरों की मूवमेंट आराम आराम से करेंगे, पहले जल्दी जल्दी नहीं। कोशिश करेंगे घुटने लग जाए आसन के नीचे, जमीन पे लग जाए। ये लेडी संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं उसमें ये बहुत ही लाभदायक आसन है। जल्दी जल्दी करेंगे। सुखासन, पद्मासन, कंफर्टेबल पोज में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता के साथ बंद, लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। अभी 3 बार ओम ध्वनि और 1 बार गायत्री मंत्र। भरे लंबा गहरा श्वास, ओ पुनः एक लंबा गहरा श्वास, ओ एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास, ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे। अभी आगे की क्रिया करेंगे। यहां से क्लास की शुरुआत होती है। पहले हमने पैरों की मूवमेंट की ताकि हम आराम से बैठ पाए। अब हम करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग। दोनों हाथों की मुट्ठी बना के रखें कंधों के पास। सांस भरते हुए एक बार देख लें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आवाज के साथ। रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाएं और सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए झटके के साथ मुट्ठी आएंगी छाती के पास। रिलैक्स। यही क्रिया आप साइड में करेंगे। दोनों
सांस भरते हुए रिलैक्स। ये है, इसमें सांस केवल हमारी चेस्ट तक ही जाती है, अंदर नहीं जाती, नासिका से लेके चेस्ट तक, इसको बोलते हैं चेस्ट ब्रीदिंग। अभी एक दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने जुड़े हुए खींच के रखें स्ट्रेट, और सांस भरते हुए दोनों हाथ ले जाएं पीछे की ओर, गर्दन भी पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः सांस भरते हुए पीछे, रिपीट करेंगे। कोहनियां बिल्कुल सीधी, रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को रोटेट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिलैक्स, दोनों हाथ कंधों पर सामने, दोनों हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, साइड में भी करेंगे, सांस भरते हुए हाथ खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस शोल्डर के ऊपर आएंगे, यहीं से दोनों कंधों को रोटेट करेंगे, हाथों को आगे से कोहनियां मिलाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, आराम आराम से प्रभाव को महसूस करते हुए। ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, रिलैक्स, अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे, ताड़ासन करेंगे, खड़े हो जाएं अपनी जगह, बेड के नीचे भी खड़े हो सकते हैं, खड़े होने वाला है, बेड के ऊपर कंफर्टेबल हो तो बेड के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं, दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक करें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, सांस भरते हुए खींच दे हाथों को ऊपर की ओर और पंजों के ऊपर बैलेंस करेंगे, अपनी दृष्टि सामने एक बिंदु पे रखें, किसी एक पॉइंट पे, इधर उधर नहीं, असामान्य, रिलैक्स, दाएं बाएं से सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः दोहराएंगे इसी को, हाथों को इंटरलॉक कर दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर,
खींच दे हाथों को ऊपर की ओर, एड़ी को उठा लें। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है एक ही बिंदु पे फोकस करने से, मन शांत होता है। रिलैक्स, वापस अर्धचंद्रासन करेंगे। एक हाथ, दाएं हाथ को ले जाएं ऊपर की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचे दाएं हाथ को, बाएं को नीचे की ओर खींचे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं। कमर से झुकना है, आगे की ओर नहीं झुकना। दाएं बाएं कमर पे, दाएं साइड बाएं साइड खिंचाव को महसूस करें। वापस सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए बाएं हाथ ऊपर, दाएं हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए झुकें दाहिनी ओर। अर्धचंद्रासन, हमारे पेट के सभी अंग अवयव प्रभाव में। रुकने की स्थिति में सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे कमर के ऊपर, सांस भरते हुए कमर गर्दन सहित पीछे जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो वो आगे नहीं झुके। वापस सांस भरते हुए पीछे, अपने दोनों हाथों से सपोर्ट देंगे स्पाइन को। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। रिपीट करेंगे अभी एक बार और। वापस आगे, रिलैक्स, विश्राम करें। मैं भी स्लिप डिस्क वाले कर सकती हूं? नहीं, जिनको जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है वो पीछे झुक सकते हैं, आगे नहीं झुक सकते। पीछे वाला कर सकते हो, आगे वाला नहीं करो। ठीक है, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, पैरों में थोड़ा सा गैप, चेयर पोज। चेयर पोज, बैठे कुर्सी की जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, हवा की चेयर पे बैठेंगे। वापस एक बार पुनः रिपीट, कमर सीधी रहे। वापस रिलैक्स। अपने आसन पर पेट के बल लेट जाएं। लेटने वाले करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, तो मैडम करेंगे मैडम करेंगे। अभी लेटने वाला आसन कर सकते हैं? कर लेंगे। हाँ जी कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी मैडम कर लेंगे। ठीक है, पेट के बल लेट जाइए। ठीक है जी, पेट के बल लेटेंगे। मकर आसन में विश्राम, बिल्कुल सीधे लेटेंगे, पैरों को खोल लें और आगे से हथेली के ऊपर, हथेली रख के इसके ऊपर माथा रखेंगे।
लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। जब मैं नजर आ रही हूँ पूरी? यस मैम। अंजी मैडम आ रही हूँ। पैरों को खोल लें पीछे से, पूरा विश्राम। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अभी हम करेंगे भुजंग आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को मिला लें और दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं। सांस भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे। मेरुदंड पर देखें, इसका प्रभाव महसूस करें, खिंचाव। सांस छोड़ते हुए वापस। अभी एक बार और रिपीट करेंगे। सांस भरें और आगे से धड़ को उठा लें। वापस रिलैक्स। मकर आसन में विश्राम करें फिर से। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे ले जाएं, शलभासन करेंगे। सांस भरते हुए दाएं पैर को उठाएं, घुटना मुड़े नहीं, पंजा खींचा हुआ बाहर की ओर। ये स्लिप डिस्क वालों के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए बाएं पैर ऊपर, रिलैक्स। दोनों पैर मिलाएं। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। अपने हाथों से पैरों को सपोर्ट दे सकते हैं। जो हाथ हमने जंघाओं के नीचे रखे हैं उनका रुख ऊपर की ओर है और उनसे हम पैरों को सपोर्ट दे सकते हैं। रुकें थोड़ी देर की स्थिति में। रिलैक्स। वापस बाल आसन में विश्राम। दाएं करवट जैसे लेटते हैं, दाएं करवट ऐसे लेटेंगे। दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां मुड़ा हुआ चेहरे के सामने, बाया घुटना मुड़ा हुआ। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। रिलैक्स करें। इसका माइक खुला है, आवाज आ रही है ज्यादा। अभी हम करेंगे सर्पासन। दोनों हाथों को कमर पे ले जाएं, फिंगर आपस में इंटरलॉक कर लें। कमर के ऊपर ऐसे ऐसे हाथों को इंटरलॉक करना है। अंगूठा स्पाइन पे लगा रहेगा। स्पाइन से नीचे चला जाएगा अंगूठा। सांस भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से पैर उठाएंगे और ये सर्पासन है, सर्प की तरह डोलेंगे। देख सकते हैं पहले।
भरे हुए श्वास में ही करना है। अगर श्वास लेनी है तो जब हम साइड से करवट लेंगे उस समय श्वास भरनी है और फिर शुरू करना है। पेट में मतलब श्वास भरी होनी चाहिए। रिलैक्स। बाएं साइड से बालासन में विश्राम करेंगे। बायां हाथ बायां पैर सीधा दायां मुड़ा हुआ। लंबी गहरी सांस लेके अपनी सांसों को सामान्य कर रहे हैं। यहीं से बाएं हाथ को ऊपर की ओर लाते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल शवासन में विश्राम। रिलैक्स करें बॉडी को। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक एक पैर से साइकिल चलाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लगाएं, दाएं पैर को उठाएं और एक बड़ा सा सर्कल बनाएं। सात आठ बार बनाएंगे। फिर विपरीत ऑपोजिट। अब उल्टी साइकिल चलाएंगे, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को, बाएं पैर से बनाएंगे। एक पैर से साइकिल चला रहे हैं हम, एक पैडल घुमा रहे हैं। फिर विपरीत रिलैक्स। अब इसी क्रिया को दोनों पैरों से थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। विपरीत। ये पेट का फैट कम करता है। रिलैक्स। शवासन में विश्राम। लंबी गहरी सांस। कंठ तक भरें, फिर धीरे धीरे पूरा खाली करें।
जब कभी आप तनाव में हो तो लंबी गहरी सांसों का अभ्यास कर लें, सारा तनाव दूर हो जाएगा। दोनों हाथ फैला दें दाएं बाएं, दोनों पैरों को मोड़ लें घुटनों से, एड़ियों को लगा दें, इसके पास ले आएं एड़ियों को। सांस भरेंगे घुटने दाएं और गर्दन बाएं और, अब दूसरी साइड करेंगे घुटने बाएं और गर्दन दाएं और, ये भी स्लिप डिस्क वालों के लिए बहुत ही उत्तम। कमर दर्द किसी भी तरह का हो ये लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए घुटने दाएं और गर्दन बाएं और, अपोजिट साइड घुटने बाएं और गर्दन दाएं और। रिलैक्स, घुटनों दोनों पैरों के बीच एक डेढ़ फीट का फासला रखेंगे, इसी का दूसरी वेरिएशन है, दोनों पैरों को खोल लेंगे, सांस भरेंगे सांस छोड़ते हुए घुटने बाएं और गर्दन दाएं और, बाएं पैर का घुटना दाएं पैर की एड़ी से टच होगा, कान को आसन को लगाने का प्रयास, सांस भरते हुए वापस दूसरी साइड करेंगे घुटने बाएं और गर्दन दाएं और, रिलैक्स, शवासन में विश्राम, पैरों में एक डेढ़ फुट का फासला, दोनों हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे एकदम, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई अकड़ जकड़ नहीं, सर की चोटी से लेकर पैर के पंजों तक मानसिक यात्रा, पहले से पैरों के पंजों से शुरू करेंगे, पैरों के पंजों को हिलाकर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, टखना पिंडलियां घुटने रिलैक्स, थाई मसल्स जंघा हिप जॉइंट पेट, पेट के सभी अंग अवयव ढीले रिलैक्स शांत, रीढ़ की एक एक गोटी को देखें और ढीला छोड़ दें, मानसिक अवलोकन, हृदय की टकटकी को सुनने का प्रयास, दोनों हाथ भुजाएं कोहनियां कंधे गर्दन एकदम शांत रिलैक्स, चेहरा आंख नाक मुंह जबड़ा सब शांत, माथे पे कोई शिकन नहीं, हवा में लहराते हुए बाल, पूरा शरीर एकदम हल्का फुल्का,
अब एक बार ऊपर से सिर से लेकर पंजों तक वापस एक एक चीज को देखेंगे, और कहीं अकड़ जकड़ है तो उसे रिलैक्स करेंगे। बाल, मस्तक, आंखें, कान, नाक, होंठ, जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, शांत, शिथिल। हृदय, फेफड़े, पेट, बढ़िया, सभी शांत। कमर, हिप, जॉइंट, थाई मसल्स, घुटने, पिंडलियां, रखने, पंजे, तलवे, पैरों की उंगलियां, एकदम शांत, शिथिल। एडी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों को लेके जाएं सर के ऊपर की ओर, और सांस भरते हुए खींच देंगे पूरे शरीर को, पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, तान दे पूरा। ढीला छोड़ दें, एक बार पूरा सांस भर के खींचे, ताड़ासन। दाईं ओर करवट लेके उठ के बैठेंगे, कोहनी का सहारा लेके उठेंगे, आंखें बंद ही रखें। आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर मिले हुए, तीन फिंगर आगे खुली हुई। अनुलोम विलोम करेंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, दो फिंगर फोल्ड करके ऐसे अंगूठे के नीचे गद्दी पे लगाएंगे, और ऐसे अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, बाएं से सांस को पहले पूरा खाली करेंगे, फिर बाएं से भरेंगे, बाएं को बंद करेंगे और दाएं से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे।
अब बाएं से भरेंगे, अब दाएं से भरेंगे और बाएं से निकालेंगे, करते रहें इसे, दोहराते रहें। बहुत धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबा गहरा ही निकालना है। आंखें बंद, अगर हम आंखें खुली रखते हैं तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते। दोनों साइड से करने के बाद एक राउंड होता है, ऐसे ही 8-10 राउंड करेंगे। मैम जिधर से छोड़ते हैं फिर उधर से ही सांस लेते हैं? हाँ जी, लंबा गहरा पूरा कंठ तक सांस भरें और पूरा खाली करके नाभि को अंदर लगा दे, पूरा रीढ़ से लगाने का प्रयास करें पेट को। लेफ्ट साइड से सांस निकालते हुए अपनी आवृत्ति पूरी करेंगे। रिलैक्स, सांस सामान्य, अभी हम करेंगे शीतली प्राणायाम।
जीविया की, अपनी जीविया को बाहर निकाल के शीतली, जीव को बाहर निकाल के उसकी नलिका बनाएंगे ऐसे। इस नलिका से सांस को अंदर लेंगे, मुंह बंद करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देंगे। इस शीतली प्राणायाम ये हमारी सभी नस नाड़ियों को एकदम मतलब हमें शीतल करेगा। इस गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। निकालने करें हमें एक बार करके जीविया की नलिका बनाएं, इसमें से सांस को बाहर खींच अंदर खींचना है। मैम फिर से बोलिए मैम, समझ में नहीं आया। जीविया को फोल्ड करेंगे, दिखाई दे रहा है? जी मैम, नजदीक आपकी। ओके मैम, रुकेंगे, शीतलता को फील करेंगे, अंदर ठंडी ठंडी जो हमने सांस ली है उसको फील करेंगे और फिर नासिका से बहुत धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे सांस को। तो इसको कर देना चाहिए। अभी हम भ्रामरी करेंगे, दोनों अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे, दो उंगलियां आंखों के ऊपर, दो मुख के ऊपर नीचे, अंगूठे से कान बिल्कुल बंद करेंगे, श्वास को लेंगे और गुंजन करते हुए श्वास को नासिका से बाहर छोड़ेंगे। अंगूठे से ऐसे कान बंद, ये कान के आगे भारी होता है ना जो, इस पे अपन लगा लेंगे तो इसी से बिल्कुल बंद हो जाएगा कान। इनको दोनों हिस्सों को अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे, ठीक है? दो उंगलियां आंखों के ऊपर, दो ऊपर नीचे, होठों के ऊपर नीचे, सांस भरेंगे लंबा गहरा। समझ आया? कुछ पूछना तो नहीं है? एक बार रिपीट कर दो मैम। दोनों अंगूठे जो कान की हमारी यहाँ पे होता है ना, छोटा सा जो होता है उसको बंद हो जाता है, दबा देंगे अंदर की ओर, कान बंद हो जाएंगे। दो उंगली आंखों के ऊपर, दो मुख पर, ऊपर नीचे लंबा गहरा सांस भरेंगे और गुंजन करते हुए, भंवरे का गुंजन करते हुए सांस को नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। चार पांच आवृत्ति करेंगे इसी की। मैम
सांसों को लेंगे फिर गुंजन करेंगे फिर छोड़ेंगे ना? हाँ जी, सांसों को भरेंगे, कान हमारे बंद हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशन होगी, पूरा मन मस्तिष्क सब शांत हो जाएगा। रिलैक्स। शांति को फील करें। हमारे आसपास ब्रह्मांड में बहुत सारे कलश, शक्ति कलश विराजमान हैं, उसमें से एक है शांति कलश। तो इमेजिन करें कि वो शांति कलश हमारे क्राउन चक्र, हमारे मस्तक के ऊपर आगे से शांति की रेज हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। महसूस करें, दोहराएं जो मैं बोल रही हूँ वो दोहराएं। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। मन ही मन दोहराते रहें। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और अपनी आती जाती श्वास के साथ महसूस करें कि हम कितने शांत हो गए। नारायण, आपका धन्यवाद है। हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। मन मस्तिष्क एकदम शांत। रात को सोने से पहले 14 बार ये बोल के सोएं, फिर चेक करें कि आपको कितनी अच्छी नींद आती है। राम राम 21 की माला के साथ क्लास को समाप्त करेंगे, शांति पाठ करेंगे फिर।
राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम सत्रह, राम राम अठारह, राम राम उन्नीस, राम राम बीस, राम राम इक्कीस। सभी का धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप सभी का फर्स्ट डे? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर, बहुत अच्छा रहा सर, एकदम शांति, बहुत ही बढ़िया मैम। अपने लिए निकालो एक घंटा, और ये स्पेशल मैं बताऊं आप फीमेल के लिए ही, उनको ध्यान में रख के सेशन लिए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को खाना 12 बजे से पहले खाना है, 12 बजे तक खा लेना है, तो 3 घंटे हो जाएंगे, तो आप कर सकते हैं फिर। क्योंकि देखो मैंने भी आज नहीं खाया, इसलिए मैंने लंच नहीं किया, उससे पहले ही कुछ ले लिया था कि अब लंच नहीं करना है। मैम दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम, फ्री हो जाता है बिल्कुल। हाँ ये हम फ्री, हाँ इस टाइम हम फ्री होते हैं। सुबह फिर किचन का काम होता है, लंच बनाना है, पानी भरना है, तो नहीं सूट करता ना सुबह सुबह। या तो सुबह जल्दी करो 5:30 से 6:30 करो, ये टाइम हमें तो अच्छा लगा, बाकी सबका पता नहीं। ठीक है चलो अभी अभी ये टाइम कंटिन्यू करेंगे, आगे फिर कभी सोचेंगे क्या करना है। यस मैम, ये टाइम बहुत अच्छा है सर, आपने ये टाइम बहुत अच्छा दिया। हम फ्री टाइम करना, ठीक है तो कल आप, आपके पास ग्रुप लिंक है अपने नियर डियर को जिसने भी करना चाहते हैं फ्रेंड सर्कल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, राधे राधे सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, हम के लिए सोचने के लिए इतना अच्छा टाइम देके इतना अच्छा करने के लिए, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कल मिलते हैं फिर, नहीं मंडे, कल रखनी है क्लास, कल बता दिया जाएगा कल क्लास होगी। तो मतलब मंडे, हमने जो डे चूज किए अभी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये चूज किए हमने 3 दिन। फ्राइडे ठीक है, अच्छा हाँ, मंडे मिलते हैं। हाँ तो मैम 3 डेज तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, 3 से 4 भी चलेगा। हाँ ठीक है, अभी शुरुआत तो करो, पता लगे एक महीना करा दे उसका सारे गायब हो गया, अरे हाथ पैर फूल गए, ये हो गया वो। नहीं अभी तो बहुत अच्छा लगा है, मंडे मिलते हैं, तब तक अपने न्यू ईयर को ग्रुप से जोड़ लो, आप जिसको भी जोड़ना चाहोगे आप ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हो किसी को, लिंक इनवाइटेड है। ठीक है चलो जी, थैंक यू आशा जी, थैंक यू, थैंक यू आशा कृष्णा टू ऑल।